नया IBN 7 हौसला है। उम्र सिर्फ 9 साल, नाम शलोका पांचाल। यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बना हुआ है, ग्रीन कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड है। हियर वन सिंबल इज लोकेटेड हियर, समथिंग रिटन इन हिंदी। लेकिन ये मासूम असाधारण है। ये मासूम बंद आंखों से देख सकती है। ये भीड़ में किसी खास को तलाश सकती है। आखिर कैसे, ये कैसे मुमकिन है? सूरत से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके उज्जैन आई शलोका पांचाल सभी की नजरों में है। सब उसके जैसा बनना चाहते हैं, सब उसके जैसी ताकत पाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि शलोका में यह असाधारण ताकत आई कैसे, क्योंकि पैदाइश से वो ऐसी नहीं थी, वो सामान्य थी। बहुत सारे सवाल, हर जवाब के बाद और उलझती गुत्थी। देखिए, वो बंद आंखों से देख सकती है। वो बंद आंखों से देख सकती है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि कोई जादुई ताकत है छोटी सी बच्ची के पास। अचानक ये चीजें वो कैसे समझ जाती है, सवाल ये उठता है। और ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि ये पैदाइश के वक्त पर बच्ची साधारण थी, जैसे आपके हमारे बच्चे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसने इस ताकत को हासिल किया, ऐसा ये दावा करती है। इसके माता पिता, इसके टीचर्स दावा करते हैं। कैसे ये मुमकिन होगा, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? 9 साल की एक लड़की ने बंद आंखों से देखने का दावा करके इन दिनों सबको हैरत में डाला हुआ है। श्लोका पांचाल नाम की इस मासूम सी लड़की से मिलवाने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त मनोज शर्मा उज्जैन में है, जहाँ पे श्लोका उनके साथ मौजूद है। श्लोका ने सूरत के एक स्कूल में अपनी इस दक्षता की ट्रेनिंग ली है। वहां पे मेरे सहयोगी चैनल ईटीवी के सहयोगी देवेन हमारे साथ सूरत से जुड़ रहे हैं, उस स्कूल में मौजूद हैं जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है। वहां के छात्रों और शिक्षकों के साथ मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त सूरत और उज्जैन से हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ फोर्टिस अस्पताल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के सक्सेना है, जिनसे हम बात करेंगे कि ये कैसे संभव है कि आप देख सकते हैं। पट्टी आपके अगर आपके आंखों में बांधी जाए तो न सिर्फ आप अखबार पढ़ सकें, न सिर्फ आप कलर्स बता सकें, बल्कि आप ढूंढते हुए लोगों को कहीं और पहुंच भी जाएं। ये चीज़ें वाकई में सुनने में जादुई लगती है, लेकिन ये जादुई दरअसल है नहीं। अगले आधे घंटे में हम इन तमाम लोगों से बात करके इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बगैर इंतज़ार के श्लोका के पास चलेंगे। उज्जैन, मनोज, मैं आपके पास आना चाहूँगा और बगैर किसी लाग लपेट के हम चाहेंगे आप श्लोका का टेस्ट लीजिए। आप श्लोका से इस लाइव टीवी पे जानिए कि वाकई में उनकी दावों में कितना दम है। तो वाकई में सबसे पहले श्लोका को सामने बैठा बुलाऊंगा। वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ बैठी है, उनके पापा है, उनकी मम्मी है। श्लोका सामने आई जरा। आपने प्रैक्टिस से वाकई अपने में बहुत ज्यादा हुनर किए हैं। मैं ऑडियंस के बीच में से अनुरोध करूंगा कि आप में से कोई सामने आए और श्लोका की आंखों में पट्टी बांधे, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने हुनर की नुमाइश यहाँ पर कर सके। और ऐसी पट्टी बांधिएगा, पहले इनको दिखाकर लगाकर पहले दिखा दीजिए कि जो पट्टी बांध रहे हैं आप, वो वाकई कहीं आर पार देखने का काम तो नहीं करती। अब जल्दी श्लोका, जब तक आप पट्टी बांधेगी और ये पट्टी बांध रहे हैं, जब तक हमारे दर्शकों को बताते जाइए कि आपने ये कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये अपनी हुनर अपने आप में आपने डेवलप किया।
तीन दिनों की प्रैक्टिस में अंकल। तीन दिनों की प्रैक्टिस में? अच्छा, और ऊपर से बस? हाँ जी, तीन दिनों की प्रैक्टिस में। अच्छा, तो क्या नाम, क्या बोलते हैं आप इसको, मिड ब्रेन एक्टिवेशन? हाँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अच्छा, ये कोई थर्ड आई इन्वेंशन तो नहीं, कोई तीसरी आंख तो नहीं खोज ली आपने? नहीं, वो ही है। अच्छा, तो मतलब आपकी ये तीसरी आंख कैसे देखती है, कुछ बताएंगे? मीन्स ऐसे पट्टी बांध के आप मुझे कुछ भी दोगे, आई कैन स्मेल इट एंड टच इट, आई कैन टेल यू व्हाट इज इन इट। अच्छा, हम आपके हम चाहेंगे कि हमारे बीच से आए, आज के अखबार कई लोगों ने यहाँ जो बैठे हैं वो अखबार नहीं पढ़ पाए, तो कम से कम आप इन लोगों को हेडलाइंस तो बता दीजिए कि आज के अखबारों ने कहा क्या है। मैं ये एक अखबार दे दिया मैंने आपके हाथ में, मैं ये आज का जो हिंदुस्तान टाइम्स है, आंखें पूरी तरह से श्लोका की बंद हो चुकी हैं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स आज का मैंने श्लोका के हाथ में रखा है, बस हेडलाइन पढ़ के बता दीजिए और थोड़ा सा ऐसे बताइएगा कि हमारे दर्शक भी देखते जाएं। जी, रिकॉर्डिंग एज वोट हेड्स फॉर कैबिनेट एक्सपेंशन। ओके ओके, आपने पढ़ा पारिकर इज रेकनिंग एज गवर्नमेंट हेड्स फॉर कैबिनेट एक्सपेंशन। जरा ये वाली पढ़िए, ऊपर हाथ रखिए आपका, ये वाली। यस यस यस, गवर्नमेंट में प्रिवेटिश लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एसएम। तो ये देखिए, ये आज के हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइंस थी, गवर्नमेंट में प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट। मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे? हाँ जी, मैं थोड़ा और इसका परीक्षा को मुश्किल करता हूँ, श्लोका को अपने साथ रखिएगा। मैं कहूँगा आप एक कोई और अगर अखबार आपके पास है वो अखबार पहले आप लीजिए, इस अखबार को छोड़ दीजिए। इसको छोड़ दिया, अब मेरे हाथ में एक दूसरा अखबार, इसका नाम मत लीजिए, इस अखबार का नाम आपको नहीं लेना है। नाम नहीं लेता। आप ये अखबार हमको दिखाइए, हमको दिखाइए, श्लोका को मत बताइए, इस अखबार को हमको दिखाइए। ये दूसरा अखबार, आप कैमरामैन को बोलिए जूम इन करेगा, अपने कैमरामैन को बोलिए, कैमरामैन से जी। अब इसमें सबसे नीचे जो खबर है, सबसे नीचे जो खबर है जी, वो आप दिखाइए, सब अपने अखबार को ऊपर करिए और उसको बोलिए सबसे नीचे वाली खबर की तरफ जाए। ये सबसे नीचे की खबर, ये खबर पढ़िए। आपने पढ़ ली मनोज, क्या है? मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, जूम इन किया, ठीक है ना। अब ये पूछिए उससे क्या है, लाइव टेस्ट सीधा श्लोका का। ये सबसे नीचे की खबर पढ़िए, जो बॉटम पे है, इस खबर को पढ़िए। आई डिड नॉट वॉच 2011 WC फाइनल आफ्टर गेटिंग आउट सचिन। सुमित, बहुत खूब, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि बॉटम में जो खबर है, सबसे नीचे की जो खबर है, वो एग्जैक्टली यही खबर है कि आई डिडंट वॉच 2011 WC फाइनल आफ्टर गेटिंग आउट सचिन। वेरी गुड। अब एक छोटी सी एक जल्दी से मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये मैं क्या दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पे, अब इनके हाथ में पकड़ा रहा हूँ, अभी तक इनको मैंने नहीं दिखाया था। ये क्या है, आपको क्या मिला ये? और क्या लिखा है इसमें, क्या बना है, कुछ बताइए। माइक लगाइए मनोज। यहाँ पे एक इंसान का मुंह बना हुआ है, यहाँ पे द फिनिश्ड गजल ऑफ मिहदी हसन। देखिए, मेहंदी हसन की गजलों का सीडी का कवर दिया आपने शायद। कवर दिया, उसी का कवर दिया था। मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि ये कुर्सियां थोड़ा खाली कर दें, कुर्सियां खाली कर दें, और आप ऑडियंस में से कोई भी इन कुर्सियों का जो ऑर्डर है, अभी थोड़ी देर पहले चूंकि यहाँ पर थी श्लोका, ऑर्डर बदल दीजिए। जब तक हम श्लोका से दूसरी बात करते हैं, उसके बाद हमें श्लोका को भेजना है इन कुर्सियों की तरफ। मनोज, ये खाली, मनोज जब तक कुर्सियां बदल रही है, मैं श्लोका से एक चीज पूछना चाहता हूँ। अब श्लोका से ये पूछिए आप कि ऐसी हसन वो कुछ बोल रही है, नंबर 9। हाँ जी, श्लोका एक सेकंड। हाँ जी, श्लोका से ये पूछिए कि उसकी क्लास में
उसको अपनी तो पूरी किताबें याद होंगी, एग्जाम देने की उसको जरूरत ही नहीं है, सब में उसको 100% मार्क्स आते होंगे। श्लोका, आप तो कुछ 100% मार्क्स लेती होगी, पूरी किताबें आपको याद होती होंगी, सारे बच्चे आपसे जलते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत। अभी आप 4th क्लास में है ना? हाँ। तो अभी तक आपके हमेशा 100% मार्क आए? कभी कभी सेकंड आई, कभी कभी फर्स्ट आई। अब कुर्सियाँ खाली कर दीजिए, थोड़ा ऑर्डर बदल दीजिए। वो तो श्लोका, हम आपसे एक चलते चलते एक जल्दी से एक दूसरी चीज और पूछते हैं। कुर्सियाँ बदल दिए मनोज, काट देंगे कुर्सियाँ। मनोज, कुर्सियाँ बदल दी गई हैं। जब तक जी आप रंग पहचानिए सर, अलग ये अलग हट जाइए जी, अब हट जाइए, हट जाइए, सब लोग हट जाइए, थोड़े बाजू हो जाइए बस। श्लोका, अब हम आपको यहाँ से भेज रहे हैं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो पहले सारी कुर्सियों के कलर दिखा दे, कुर्सियों से पीछे हो जाइए आप लोग। श्लोका, हम आपको यहाँ से भेजने वाले हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, सामने लगी हुई है कुछ कुर्सियाँ और आपको जाके सुमित आप अपनी चॉइस बताएंगे किस कुर्सी पर बैठलवाना पसंद करेंगे। मनोज, सफेद कुर्सी, सफेद व्हाइट। ये बोलिए बोलिए। चलिए जाके, हम चाहेंगे कि आप सफेद कुर्सी पर जाके बैठे। यहाँ पे व्हाइट कलर की कुर्सी नहीं है। अच्छा, आप देखिए, सेकंड चॉइस, अभी एक मौका है आपके पास, सेकंड चॉइस। मनोज, एक और, अब इस बच्ची, अब श्लोका को बोलिए कि वो नीले रंग की कुर्सी पर बैठे जाके। श्लोका, आपको अब एक दूसरा टास्क मिल गया है, ब्लू कलर की नीले रंग की कुर्सी पर जाके बैठिए। सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। मनोज, कोई प्रॉम्प्ट तो नहीं कर रहा है वहाँ पे, वहाँ जो पब्लिक मौजूद है वो बिल्कुल कोई उसको इशारा तो नहीं कर रहा है, प्रॉम्प्ट तो नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पर पहले मैं जल्दी से एक चीज बता दूँ, ये श्लोका की माँ है टीना, और अब मैं श्लोका को एक टास्क और दे रहा हूँ। श्लोका, आप थोड़े आगे आ जाइए, मैं आपकी मम्मी को कहीं बैठा लूंगा, आपको उनके पास जाना है, ठीक है? मैंने एक टास्क दिया है, मैंने अभी आपके दर्शकों को मिला दिया है श्लोका की माँ से टीना से, और अब श्लोका को मैंने कहा है कि वो अपनी मम्मी के पास जाए, वो कहीं जाकर बैठी है अभी। श्लोका अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही है इस भीड़ में। देखिए, वैसे एक बच्चा अपनी माँ को खोजने में कामयाब हो गया, आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा अपनी माँ को खोजने में कामयाब हो गया, क्योंकि माँ को मैंने बिल्कुल आप सामने देख रहे थे कि मैंने बाद में माँ को भेजा था, उसके पहले मैंने दूसरी दो महिलाओं को कुर्सियों पर बैठा ला। मनोज, आप रहिए वहाँ पर, तलाश। मनोज, आप रहिए वहाँ पर, मेरे साथ देवेन भी है सूरत से, जहाँ पर इस स्कूल में इस बच्ची ने ट्रेनिंग ली है, वो देखना भी बहुत जरूरी है कि दरअसल कैसे दक्ष बनाया जाता है बच्चों को, क्या ये ट्रेनिंग होती है, और फिर हम डॉक्टर साहब के पास चलेंगे कि दरअसल ये टेक्निक क्या है, कैसे। देवेन, मैं आपसे पूछूंगा, हम जानना चाहेंगे आपसे कि वहां जो लोग मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, वो क्या बताएंगे कि कैसे बच्चों को वो ट्रेन करते हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या साइंस है? जी बिल्कुल सुमित, यहाँ पे भी जो अभी बच्चे हैं हमारे साथ, काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो भी अभी जो हमने देखा, अभी मनोज जी ने जो बताया, उससे भी काफ़ी कुछ हटके यहाँ पे होने वाला है, और आप भी उसको देख के दंग रह जाएंगे, वो मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ ये जो बच्चों को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनर भी हमारे साथ है, हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो टेक्निक्स है ये कितने किस तरह से होती है, और कितने टाइम में इसको हम इम्प्लीमेंट करके इन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। जी दीपा जी, बताइए कि ये किस तरह की ट्रेनिंग है, साइंस में क्या नाम है इस टेक्निक का, और किस तरह से आप ये बच्चों को पूरा जो है ट्रेन करती है?
देवेन जी, इस टेक्निक का नाम मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, जो पीनियल ग्लैंड को साउंड और लाइट से एक्टिवेट करने के बाद ये होती है। इसका 2 दिन का फुल डे वर्कशॉप होता है, जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, लर्निंग पावर बूस्टिंग हो जाता है और उनका सबकॉन्सियस माइंड वही एक्टिवेट होना चाहिए, वो सबसे बेनिफिशियल बच्चों के लिए होता है, उनको एकेडमिक उनको बेनिफिट रहता है। हमारे जो बच्चे हैं उनमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन किए हुए बच्चों से बिल्कुल हटके उनमें से 2 बच्चे हैं। मैम, जनरली ये कितने टाइम में हम सीख पाते हैं ये बच्चे, और किस तरह का उनका जो सेशन चलता है कितने दिन का होता है, और साइंटिफिकली अगर हम रीज़न की बात करें तो किस तरह का जो माइंड डेवलपमेंट की जो बात होती है वो होती है? इसमें 2 दिन का वर्कशॉप होता है और 2 दिन के वर्कशॉप में हम उनको ब्रेन जिम करवाते हैं, आईबॉल जिम करवाते हैं और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो पूरे दिन में 2 दिन के सेशन में हम करवाते हैं और 2 दिन के सेशन के बाद वो कंप्लीट हो जाते हैं। जिस तरह से आपके पास ये बच्चे जब आते हैं, पेरेंट्स उनके बच्चों को लेके आते हैं, तो क्या अपेक्षाएं होती है, क्योंकि ये जो पूरी टेक्निक जो है वो एकदम नई तरह की है, और किस तरह से क्या क्या सीख पाते हैं ये हमें बताइए। पेरेंट्स की यही डिमांड होती है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट 100% हो जाना चाहिए, उनका एकेडमिक ग्रोथ होना चाहिए, बिहेवियर स्टेबल होना चाहिए, ये सब उनकी डिमांड होती है और रिजल्ट में उन बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ है। देवेन, तो मैम यहाँ पे जो बच्चे हैं वो औरों से किस तरह से अलग है और सुन क्या पा रहे हैं? ये आप खुद ही देख सकते हैं, मैं आपको अभी प्रीत का डेमो दिखाती हूँ जो सुमित। जी सुमित, देवेन वही डेमो की बात मैं कर रहा था कि बातचीत तो बहुत हो गई, कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए, टीचर कैसे सिखाती है, बच्चे क्या सीखते हैं, कोई डेमो हम लोग देख पाए। या मैं भी सुमित आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे है, जी पक्का, अभी आप इस तरह का एक डेमो दिखेंगे कि इस तरह की टेक्निक सीखने वाले बच्चे भी जो बहुत रेयर केस में हैं जो ये करते हैं। तो यहाँ पे एक जो बच्चा है वो सुई में अपना धागा पिरोएगा। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए पहले से इन बच्चों को हमने तैयार कर दिया है, तो देखेंगे अभी ये जो सुई जो धागा है वो किस तरह से बच्चा सेकेंड में हम कह सकते हैं कि उसको ये पिरो देता है, जो हम खुली आँख से भी ज़्यादातर नहीं कर पाते। देख सकते हैं कि ये जो प्रीत नाम का ये जो बच्चा है ये टेक्निक सीखने के बाद कितना इजीली, इसको देखिए आप किस तरह से ये सुई में अपना धागा पूरा लेता है, कितनी इजी तरीके से देखा आपने, जैसे मतलब दिन के उजालों में भी कभी कभी अपने को इस तरह से जो करना है वो मुश्किल होता है, ये बच्चा देखा आपने सुमित? हाँ बिल्कुल, कितनी आसानी से इसने ये जो धागा है वो अपने सुई में पुरो लिया है, देखिए। और ये जो माहौल है ऐसे ही बन जाता है, लड़के बहुत खुश होते हैं, एक के बाद एक लड़का जब ये देखते हैं तो वो भी चाहता है अपने आप में कि हम भी ऐसा कुछ करें। जी सुमित, कुछ और एक सुमित मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक लड़की भी है जो ट्रेनर ने उसे एक और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक लड़की है सुमित जी, ये इतनी सेंसर है उसकी स्किन में, उसके फिंगर में, कि आप सोच नहीं सकते, अनबिलीवेबल ये चीज़ लगती है। तो देवांशी नाम की ये लड़की है, ये फोटो देख के ही बता देती है कि ये फोटो जो है किसका है और किस तरह से इसका जो सेंसर पावर है हमें अभी देखने को मिलेगा। मैम आप कोई भी एक फ़ोटो निकालिए और फोटो में क्या है वो बता के फिर आप कोई भी ऐसा फ़ोटो निकाल के उसको चेक करवाए कि ये क्या चीज है, तो पता चलेगा कि ये किस तरह से क्या फोटो में आता है और क्या सेंसर कर पाता है। आप देख सकते हैं फोटो में अभी क्या है और उसने जो ये पहना हुआ है, तो अब देखते हैं कि उनको टच करने से वो क्या बोलते। जी देवान से आप टच कीजिए। ये लायन है और उस शार्क। और एक डेमो दिखा दीजिए, और एक कर लीजिए दूसरा कोई फोटो उठा के, तो क्या है अब हम बता सकते हैं? ये ले लीजिए, कितना सॉफ्ट है, कैट है। क्या है ये? कैट। कैट, ओके। उसके बगल में क्या है? उसके बगल में डॉग है। किस रंग का है? ब्लैक कलर का। देखा सुमित आपने कि किस तरह से, मतलब जैसे ही ये फोटो को छूती है
तो तुरंत उसका जो जो फिंगर टच है तो उसे सेंस हो जाता है कि ये शार्क है, और शार्क को छूते उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्किन कैसी है, किस रंग की है, और किस तरह से उसका हमने जो, देवेंद्र जो देखा स्किन का जो देवेंद्र टच हमने होता वो है, देखा तो जब वो शार्क को छू रही थी तो उसको ऐसा लगा कि शार्क ने उसको काट लिया है, उसने अपना हाथ हटाया वहां से, उसको कोई चीज चुभी, ऐसा हमको यहां से प्रतीत हुआ। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं देवेंद्र जी? जी 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 पक्का सुमित। और एक चीज भी मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर एक फोटो और एक डेमो ही मैं सेम दिखाना चाहूंगा, और एक फोटो ले लीजिए मैम, वो फोटो स्मेल करके भी बता देती है कि ये क्या चीज है, मैं आपको ये भी बता दे। देवेंद्र मैडम तस्वीर ढूंढ रही हैं, ये उम्मीद के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैगजीन पहले कभी देवांशी ने देखी नहीं होगी। देखिए सर एक बार मैं सुमित जी आपको दिखा देता हूँ। नेचुरल है, हील जैसा होता है, हील हील है, हील। ओके देखा सुमित, ये फोटो में आप देख सकते हो कि झील है, ग्राउंड है, वाटर है, तो उसने तुरंत बता दिया कि ऐसा लग रहा है कि कोई नेचुरल एटमॉस्फियर है वहां पे, और झील है वो, ग्राउंड है, इस तरह से पूरा है। अब, तो ये जो किताब हमने रखी हुई है तो ये आज तक उसने देखी नहीं है, हमने छुपा के रखी थी कि ये देख ना ले, क्योंकि ये जो रियल टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सही अर्थ में हम ऐसा कह सके कि ये रियल टेस्ट हो रहा है। एक बार आप रहिए हमारे साथ देवेंद्र, आप भी हैं, मनोज भी मेरे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सक्सेना मैं एक आपका रिएक्शन, मैं आपको देख रहा था जब ये सारा डेमो चल रहा था, मेरी नज़रें आप पे थी, मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं आश्चर्यचकित हूँ, वैसे आप भी आश्चर्यचकित थे, क्या आपके लिए भी अनोखी चीज़ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी डेमोन्स्ट्रेशन मेरे सामने हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जहाँ तक पहले बच्चे ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि शी कुड सी, देख सकती थी आँखों पर पट्टी लगाए हुए, तो जहाँ तक मैं साइंस की बात करता हूँ तो जो आँख से रिलेटेड या विजन से रिलेटेड जो भी सर्किट होते हैं वो मिड ब्रेन के ऊपर होते हैं, मिड ब्रेन के बहुत ही कम कनेक्शन वहाँ जाते हैं, तो हम लोग मिड ब्रेन को जब एक्टिवेट कर रहे हैं दैट मीन्स कि विजन का एरिया अलग है, दैट इज़ अब उसके ऊपर वाला जो हिस्सा हम ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स वहां तक खत्म हो जाता है, नीचे मिड ब्रेन में विजन के रिलेटेड जो फाइबर्स हैं वो नहीं आते हैं, आते पर टीचर ने कहा मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हैं, कैसे ये क्या चीज है? देखिए वी कैन नॉट से वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है या पूरे ब्रेन का स्टिमुलेशन है, कोई पिन पॉइंट या कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही थी इसमें ट्रेनिंग में जो ये पता लगे कि मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, सिर्फ एनाटॉमिकल बेसिस देखें ब्रेन का तो मिड ब्रेन एक ऐसा सेंटर है जो मेन कॉर्टिकल जो हेमिस्फीयर्स होते हैं उनके जस्ट नीचे पहला ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ट्रांसमिट होती है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, इट कैन ट्रांसमिट द सेंसेशन। फिर ये कैसे हो रहा है? अब देयर मे बी सम स्पेशल टर्निंग लर्निंग प्रोसेस, वो जो स्पेशल लर्निंग या ट्रेनिंग है वो क्या होती है वो एक जानना जरूरी है, प्लस इनमें से कोई एक बच्चा अगर किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट पर एक बार आके इवेलुएट किया जाए देन वी कैन ऑल्सो रिकमेंड कि यस देयर इज समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, क्योंकि ये साइंस के लिए भी आश्चर्य करने वाली बात है कि ये हो कैसे रहा है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, मनोज और देवेन हमारे साथ हैं, ये ब्रेक मैं आपको बता दूँ कि आज हम अपना इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता क्या है, कैसे इसमें दक्षता हासिल की जा सकती है, और क्या ये कुछ बच्चे ही ट्रेन हो सकते हैं या हिंदुस्तान का हर बच्चा इस कला में पारंगत होकर अपने आप को जीनियस बना सकता है, क्या आपके मेरे बच्चे भी इस ट्रेनिंग को पा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को छुएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं इस खबर पर, लगातार बने रहिए आईबीएन 7 के साथ। उम्र सिर्फ 9 साल, नाम शलोका पांचाल। यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड बना हुआ है, ग्रीन कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड है, हियर वन सिंबल इज प्रोफिडेंट हियर, समथिंग रिटन ग्रीन। लेकिन ये मासूम असाधारण है। ये मासूम बंद आंखों से देख सकती है।
ये भीड़ में किसी खास को तलाश सकती है। आखिर कैसे, ये कैसे मुमकिन है? स्टेट बैंक की सिंबल है स्टेट बैंक ऑफ गुजरात। सूरत से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके उज्जैन आई श्लोका पांचाल सभी की नजरों में है। सब उसके जैसा बनना चाहते हैं, सब उसके जैसी ताकत पाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि श्लोका में यह असाधारण ताकत आई कैसे, क्योंकि पैदाइश से वो ऐसी नहीं थी, वो सामान्य थी। बहुत सारे सवाल, हर जवाब के बाद और उलझती गुत्थी। देखिए, वो बंद आंखों से देख सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और मेरे साथ है ऋचा। आज हम इंडिया 9 बजे में इस छोटी सी बच्ची का ये बुलेटिन जो हम पिछले आधे घंटे से दिखा रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि देश के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा साइंस है, ये कौन सा विज्ञान है जिसके ज़रिए बच्चे अपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसको बात कही जा रही है, जो उसके ट्रेनर्स बोलते हैं, उनके ज़रिए वो बंद आँखों से पढ़ सकते हैं, रंगों को पहचान सकते हैं, लोगों को ढूंढ सकते हैं। ये कौन सी टेक्निक है, इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मनोज हैं इस वक्त उज्जैन से, मनोज है उज्जैन से जहां पर श्लोका मौजूद है, और साथ में देवेन है सूरत से मेरे सहयोगी, और साथ में डॉक्टर सक्सेना जो कि जाने वाले न्यूरोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस के, वो हमारे साथ है डॉक्टर एसके सक्सेना, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इन सब से बात करें उसके पहले श्लोका की उपलब्धियां, श्लोका का जो 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 खासियत है वो जाननी आप सबके लिए बहुत जरूरी है। श्लोका एक छोटी सी बच्ची है, उम्र उसकी 9 या 10 साल के आसपास है। वो उसकी आंखों पर आप पट्टी बांधें, उसकी खूबसूरत आंखों पर जिससे वो बहुत आसानी से देख सकती है, अगर उस पर आप पट्टी बांध दें तो भी वो उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही आसानी से सब कुछ देख सकती है, पढ़ सकती है और बता सकती है कि वो किसी भी व्यक्ति को कि वो कहाँ छुपा है या वो कहाँ पर खड़ा है। श्लोका के तमाम कमाल हम पिछले आधे घंटे में दिखा चुके हैं, लेकिन इंडिया 9 बजे में जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से मनोज के पास चलूँगा। मनोज, मैं चाहूंगा श्लोका के साथ आपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मुझे दोबारा टास्क नहीं करवाने हैं, लेकिन एक दो नए टास्क जरूर करवाने हैं ताकि श्लोका की काबिलियत नए दर्शकों को भी देखने को मिले। मैं एक टास्क मैं आपको बताना चाहूंगा, हर मर्द के वॉलेट में विजिटिंग कार्ड जरूर होते हैं। मैं जानता हूं मनोज आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा, तो क्या वो विजिटिंग कार्ड आप पढ़वा सकते हैं बगैर श्लोका को बताए, हमारे हमको दिखा के कैमरे के सामने कि उसमें क्या है? मैं बिल्कुल शुरुआत खुद से ही करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना विजिटिंग कार्ड निकालता हूँ। आप अपना मन निकालिएगा, आपका नाम श्लोका को पता है? मनोज, आपका नाम श्लोका को पता है? मैंने मेरे वॉलेट से मैंने एक ये विजिटिंग कार्ड निकाला है, और ये विजिटिंग कार्ड मेरे पास आज सुबह ही मुझे किसी ने दिया था, तो मैं ये विजिटिंग कार्ड मैंने आप श्लोका को दे दिया है। श्लोका, आपके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड है। बैकग्राउंड पूरा वाइट है, यहाँ पे 9868107118 लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 लायन की सिंबल बनी हुई है। यहाँ पे अलोक श्रीवास्तवा लास लिखा हुआ है। यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी लिखा हुआ है। दिस इज द कार्ड। ये देखिए, आप कार्ड देखिए, ऊपर हाथ से लिखा हुआ एक नंबर था जिसको बखूबी श्लोका ने बताया। उसके बाद जो आलोक श्रीवास्तव IAS वो पूरा बताया। अब मैं ऑडियंस के बीच में से कहूँगा कि पहले नए ऑडियंस जो जुड़े हैं उनसे आपको एक मिनट, आप सामने आई, अपने बच्चे के साथ सामने आई, आप अभी आकर जुड़ी जो मैं देख रहा था, पहले अपने बारे में जल्दी से बता दीजिए कि आप यहाँ बच्चे के साथ लेकर क्यों आए? मैं हेमंत हूँ, मेरी भतीजी है मेरे साथ में। अच्छा जी, ये आपकी भतीजी को मैं आलोका के साथ छोड़ता हूँ। आलोका, आपके साथ में एक बच्चा है, वो एक अच्छा है। श्लोका आपके साथ एक बच्चा है जिसके हेयर बैंड लगा हुआ है, देखिए जरा, देखा आपने? अब जरा इस हेयर बैंड का जो डिस्क्रिप्शन आप दे सकें दे दीजिए।
ये ग्रीन कलर, ग्रीन और येलो कलर मिक्स का हेयर बैन है। देखिए लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये बच्ची अभी यहाँ आकर जुड़ी। आप यहाँ पर, आपका कहीं दूर दूर तक श्लोका से कोई रिश्ता? जी नहीं, मैंने आज पहली बार इस बच्ची को देख रहा हूँ, कोई रिलेशन नहीं है मेरा इसके साथ। मनोज एक बार, एक बार हमको दर्शकों के लिए जरूर बतानी चाहिए यहाँ पर कि ये सब कुछ लाइव चल रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से श्लोका से नहीं मिला हुआ है, हम लोग श्लोका का टेस्ट ले रहे हैं। मैं ये बात और साफ कर दूं कि हम श्लोका की जो उपलब्धि है, श्लोका की जो ताकत है, जो दक्षता है, उसको डिमीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्लोका का जो दावा है, उसके पेरेंट्स का जो दावा है, उसको हम जरूर क्रॉस से कर रहे हैं कि दरअसल ये कैसे हो सकता है। और काफी टफ टेस्ट ले रहे हैं हम लोग, ऐसा कोई आसान उसको टास्क भी नहीं दिया हम लोग। क्या क्या श्लोका बगैर छुए भी बता सकती है? क्या श्लोका वहां बैठ के ये बता सकती है कि यहाँ हम लोग किन कपड़ों में बैठे हुए हैं, रिचा ने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं? श्लोका, हमारी जो टीम है, हमारी जो स्टूडियो है जहाँ से लाइव चल रहा है, वहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ बता सकती हो कि वो क्या पहन के बैठे हैं? इतनी दूर तक देख पाएगी आपकी दूरदृष्टि? नहीं, ऐसे नहीं होता, मैं उसको टच और स्मेल करके ही मैं बता पाऊँ। सुमित, जो भी श्लोका करती है उसको जरूरी है कि वो स्मेल करे और वो टच करे। एक अच्छा पॉइंट है, आप रहिए, ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं इस पे एक रिएक्शन डॉक्टर साहब का लूंगा। डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ है, टच करके बता पाती हूँ तो सेंसेस है हाथ पे, हाथ से रंग अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये छू तो भी सफेद है, यहाँ छू तो ये काला है, मेरे लिए तो सब नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है, मतलब मैं भी नहीं छू पाऊंगा, कोई नहीं छू सकता ऐसे। बट जहां तक इस बच्चे का सवाल है, इसमें कोई सिक्स सेंस जरूर मुझे भी नजर आ रही है, बिकॉज इसमें एक बच्ची नहीं डॉक्टर साहब, 20 बच्चे और बैठे हुए हैं। मे बी समथिंग दे हैव सम टेक्निक विच दे कैन डेवलप सिक्स सेंस, तो उसके लिए हमें साइंटिफिकली भी प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग एंड ये क्यों हो सकता है, और क्या ट्रेनिंग है जिससे ये इंसान अपना एक अलग से एक स्किल डेवलप कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप ऐसा केस पहली बार सुन रहे हैं क्या, या आपने ऐसा कुछ पहले सुना है? नहीं, कुछ कुछ केसेस जो हमारे बुक्स में भी, लिटरेचर में भी दिए हुए होते हैं कि स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो ना केवल अभी क्या हो रहा है ये भी बता सकते हैं, बल्कि कुछ आगे का भी उनको आभास हो जाता है। देयर इज समथिंग जो एक्स्ट्रा हम लोगों के दिमाग में होती है, बट ये बाय बर्थ वो कोई इंट्यूटिव पावर्स लेकर नहीं पैदा हुए, वही कह रहा हूं, इस तरह का डिस्क्रिप्शन है। बट ये बच्चे जो स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाना शायद संभव नहीं है अभी, अनलेस इसको साइंटिफिकली तरीके से हम बच्चों से एक बार एग्जामिन कर लें, उनसे बात कर लें, देन ऑफ कोर्स वी कैन। मनोज, ओवर टू यू। मनोज, अब आप कुछ और दिखा रहे थे। मैं सुमित एक चीज कहूंगा कि मैं आपको पूरा ऑडियंस दिखा रहा हूँ, आप पसंद करिए इस ऑडियंस में से, आप इशारा करिए उनको, मैं आगे उनकी विजिटिंग कार्ड के साथ बुलाऊंगा, उनके बारे में श्लोका बताइए आप। ये पूरा फ्रेम कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि सारे लोगों को दिखाएं, आप बताइए कि इनको आगे बुला के इनका इनका विजिटिंग कार्ड दिखाएं। मनोज, मैं बोलता हूँ पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनमें जी, जो पीछे लोग खड़े हुए हैं उनमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो सज्जन खड़े हैं, मैं जानबूझ के उनका नाम और कलर नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो ऑडियो जा रहा है। हाँ, वही 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 उनके पास विजिट। अच्छा, चलिए उनको अपने मोबाइल के साथ बुला रहा हूँ मैं। हाँ, बुलाइए बुलाइए ये। अच्छा कार्ड, हाँ चलिए चलिए, उनके पास एक कोई कार्ड मिल गया है। चलिए अब ये कार्ड इन्होंने श्लोका के हाथ में दे दिया है। श्लोका, इस कार्ड का डिस्क्रिप्शन दीजिए। है यहाँ पे ऐसा राउंड राउंड थ्री राउंड बने हुए हैं, यहाँ पे CSB लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसी रेड लाइन है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन ऐसा 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 है। ये देखिए, एक मिनट देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कार्ड है, वीजा कार्ड है, ऑरेंज है, बीच में ऑरेंज की लाइन भी पड़ी हुई है, और जो बताया इन्होंने CSB। अब मैं इनसे पूछ लूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो इधर बच्चों को घुमाने के लिए आया था, और मुझे लगा कि आज मैंने पेपर में पढ़ा था श्लोका का, तो ये मुझे खड़ी मिली, तो फिर मैंने इसको देखने के लिए आया। इसको देखने के लिए आया। एक मैं ये देखिए, ये लेकर आई है ये कुछ, एक एक सेकंड मैडम, नीचे से आ जाइए जी। ये यही ऑडियंस में थी, और ये श्लोका के शायद ये भी कुछ परीक्षा करना चाहती है। श्लोका, क्या है बेटा आपके हाथ में? 100 रुपीज की नोट है। सो कैन यू टेल मी द नंबर, सीरियल नंबर ऑफ दिस नोट? Serial number yes. means what is okay.
4UF915157. ये आप यहाँ मनोज अद्भुत है, आप अपना रिएक्शन दीजिए। इट्स ग्रेट सर, इट्स जीनियस, शी इज अ जीनियस। तो आपको ये 100 का नोट हम रख ले, आपको वापस कर देंगे। ये 100 का नोट तो उनको बोलिए इनाम दे दे श्लोका को तुरंत। श्लोका को उन्होंने इनाम दे दिया है, चॉकलेट के लिए दे दिया है उन्होंने। अच्छा एक ये बुक है, ये आपके हाथों आप आगे आइए, ये बुक है, इसके बारे में आप जो पूछ सकती है, देखिए कुछ उसमें पूछने लायक है तो आप। क्या दिखता है बेटा आपको फ्रंट में? फ्रंट में क्या दिखता है? यहाँ पे ग्रे कलर का पूरा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा है, वेरी गुड वेरी गुड। हेल्प और यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हेल्प और यहाँ पे लाइन लुक ग्रे लिखा हुआ है। ये बुक है, अब इसमें एक चीज और मैं दर्शकों को पहले दिखा दूं कि इसमें कुछ आप बुक में देख पा रहे होंगे, अब मैं इसके बारे में श्लोका से पूछूंगा। श्लोका, ये आपके हाथ में बुक है, इसमें अलग अलग कलर की पेजेस हैं, बीच में हमें अलग अलग करके आप सारे पेजेस बता दीजिए क्या क्या कलर है, अलग अलग करके आप दिखाएंगी सामने कैमरे को। यहाँ पर येलो कलर की फर्स्ट लाइन, आप खोलते जाइए बुक को, खोल के दिखा दीजिए। यहाँ पर येलो कलर के पेजेस हैं, यहाँ पे ब्लू कलर के पेजेस हैं, यहाँ पे पिंक कलर के पेजेस हैं, और ये सब व्हाइट कलर के। देख लीजिए आप देखिए ये कितनी पतली पतली लाइन थी, पेजेस थे, और ये सारे श्लोका ने बताए। मनोज एक चीज आप जो भी चीज श्लोका से पूछ रहे हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में वो चीज पकड़ती हैं और राइट हैंड में उसको रगड़ती हैं। वो क्या करती है उनसे पूछिए, वो पहले कहीं टच करती है अपने हाथ में अपनी आम में और फिर उसको सूंघती है, शायद वो छूती कहाँ पे उसके उनके हाथ में कुछ है क्या? श्लोका आपने कहीं हाथ में कुछ रखा तो नहीं? आप बार बार हर चीज को अपने लेफ्ट हैंड से रगड़ती हैं फिर सूंघती हैं, कुछ यहाँ कुछ सेंसर वेंसर तो लगा के नहीं रखा आपने? नहीं। तो क्या करती है बताइए जरा। वो अगर यहाँ पे किसी ने परफ्यूम छाटा हो या तो फिर परफ्यूम ऐसे छाटा और वो पॉकेट में रखा हो तो उसकी स्मेल चली जाती है, तो मैं ऐसे करती हूँ, मीन्स उसकी स्मेल थोड़ी हट जाती है तो पता चलता। अच्छा एक बुक दे रहा हूँ आपको, ये पीछे की तरफ इसमें कोई तस्वीर लगी है, जरा ये तस्वीर के बारे में बता दीजिए। ये पहले मैं पहले दर्शकों को दिखा दूँ, ये तस्वीर दे रहा हूँ मैं श्लोका के हाथ में, इस शहर से जुड़ी हुई तस्वीर है, ये लीजिए। यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कुर्ता पहने हुए एक इंसान है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का उसने पट्टा भी लगाया, उसकी मूछ है, उनके बाजू में नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिसने क्रीम कलर का कोट पहना हुआ है। आप देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर में जो बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी है ऋचा, उनके बारे में वो नाम से भी बता देती है, और जो अगर कोई यहाँ पर बाकी उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि कुर्ता डाला हुआ है ऑरेंज कलर का, ये सारी चीजें वो बता देती है। जी मनोज, हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े होंगे, वाकई अनबिलीवेबल इज द वर्ड, अगर हम कहें कि विश्वास नहीं हो रहा जो कुछ श्लोका बता रही है, थोड़ा आप उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्हें दिखाई देता है, क्या उनके कोई सेंसेस या जैसे उन्होंने ट्रेनिंग उनको ट्रेन किया गया इसके लिए, वो बता सकती हैं कैसे वो देख रही हैं हर चीज को? जब मनोज ऋचा के सवाल का जवाब दें, मैं चाहूंगा आप उसकी पट्टी खोल दीजिए, अब हम श्लोका को श्लोका, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। श्लोका के पास बहुत खूबसूरत आंखें। अच्छा पट्टी हम खोलते हैं, उसके पहले जल्दी जल्दी से बस एक चीज और करते हैं, श्लोका ये स्केच पेन की कलर बता दो। मनोज आप मानेंगे अलग अलग स्केच पेन निकाल के। ये रेड कलर की स्केच पेन है, ये ग्रीन कलर की स्केच पेन है, ये पिंक कलर की स्केच पेन है, ये स्काई ब्लू कलर की स्केच पेन है, और ये येलो कलर की। वेरी गुड, सो स्मेल।
ये चार कलर थे, सारे लोग सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आदित्य, आप आके जरा सबसे पहले पट्टी खोल दीजिए, आंखों के सामने खूबसूरत आंखें हम श्लोका की सारी दुनिया को दिखाएं। आप जब तक पट्टी खुलेंगी मैं एक चीज बताऊं, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा। एक है प्रदीप, उन्होंने मुझे ट्वीट किया, ये ट्वीट मैं वाकई में पढ़ना पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि वो बंद आंखों से देख लेती है और हम जैसे बहुत से लोग हैं जो खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। क्या बात है, तो ये फायदा हो रहा है आई बी एन 7 के जरिए तमाम लोगों को। श्लोका थैंक यू सो मच, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत हुनरमंद हैं। आपको सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा ये टेक्निक के बारे में लोगों को बताओ, आपने जो ट्रेनिंग ली थी आप कैसे सीखे ये सब बताओ। वो हमारे स्कूल में एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने हमको ऐसा सिखाया और वहाँ पे ऐसे हमको ऐसे सिखाते हैं, फिर एक बार टेस्टिंग लेते हैं, फिर ऐसे आते सिखाने में। मनोज मैं थोड़ा सा और क्लियरली समझना चाह रही हूँ, वो सूंघ रही है तो सिखाया हम समझ गए, कहीं से ट्रेनिंग मिली, लेकिन क्या थोड़ा सा अगर श्लोका और क्लियरली हमको समझा पाए। श्लोका थोड़ा सा ये समझाओ कि आप लेफ्ट हैंड से जो आप स्मेल करते हो उसके बाद फिर आप उसके ऊपर हाथ चलाते हो, कलर का और उसकी जो हार्डनेस या कलर के रंग का कैसे रिश्ता, टच से कैसा रिश्ता है ये? वो उसकी स्मेल आती है, मैंने वो कैम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में एक मिड ब्रेन आता है, जब वो एक्टिवेट होता है तब हम वो सब स्मेलिंग से हमको पता चलता है। मैं अभी छुट्टी ले लेता हूँ अपने ऑफिस से, आपके साथ चलूँ, आप मुझे भी सिखा दोगी? आपकी एज चली गई सिर्फ 9 से। हमारी एज चली गई, ऐसी शुरुआत की इन्होंने। मनोज एक चीज पूछे, 9 से 14 एज तक ही का, 9 से 14 साल। मनोज आपकी और मेरी एज तो निकल गई, हम लोग भी इस लायक बच्चे नहीं है, पर क्या श्लोका छोटे बच्चों को ये सिखा सकती है या इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या ट्रेनर्स के पास ही जाना पड़ेगा? श्लोका एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप ही अपने आपकी उम्र के बच्चों को, आपने कहा ना 9 से 14 साल के बच्चे, उनको सिखा सकती हो कि स्पेशल जो ट्रेनर है उनके पास ही जाए? जो स्पेशल ट्रेनर है उसके पास सब कलेक्शन है, तो वो सीडी डालते हैं फिर ऐसे हमको सिखा। आप सिखा पाएंगे? नहीं। जैसे ये छोटी सी बच्ची है, इसको आगे बुलाएं, इसको दो चार ऐसे टिप तो आप दे ही सकते हो ना कि उज्जैन आई हो तो ये भी याद रखे कि श्लोका दीदी आई थी, वो हमको ये देकर गई है। वो कोर्स करना पड़ता है, वो एक दिन में भी नहीं सीखा जाता, दो दिन में भी नहीं सीखा जाता, तो 3 दिन में। मनोज एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, जी जी, बहुत छोटी बच्ची है, देखिए कोई भी किसी भी तरह का टेस्ट होता है, बच्चे को कितना भी आता क्यों ना हो थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन हम इतनी देर से देख रहे हैं श्लोका की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको कभी भी ये नहीं लग रहा कि आप विजिटिंग कार्ड देंगे या मोबाइल दिखाएं या कुछ भी दिखाएंगे तो वो गड़बड़ कर सकती है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है उसके अंदर? ये मैं समझता हूँ ये सवाल श्लोका के साथ साथ उनकी मम्मी से भी पूछा जाना चाहिए। थोड़ा सा आप आगे आइए बेटा, आपको इतने सारे लोग रहते हैं, आपको कार्ड ला के देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको, डर नहीं लगता कि? और आप तो, मैं जब यहाँ पे आया तो आपने मुझसे कह दिया कि आप अंकल जो चाहे वो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं थोड़ा सा डर कि आपको लाइव दिखाया जाएगा, अगर कुछ गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं। ये आपके पास कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कहाँ से आया, मम्मी से, पापा से या उस क्लास से? मैंने ऐसे कैमरे बहुत सारे फेस किए हैं। मनोज बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, बहुत से लोग, एक सज्जन तो यहाँ तक लिखते हैं, डॉक्टर विनोद भावसार उनका नाम है, अपना नंबर मुझे भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास इस बात का जवाब है कि कैसे श्लोका को सब पता है। मैं ब्रेक में, जब अभी हम ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक में डॉक्टर भावसार से बात करूंगा और कन्विंसिंग लगे तो हम उनको लाइव देने की कोशिश भी करेंगे। मेरे साथ एक और आर्य तिवारी साहब ने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि अगर देश को नेताओं और नेताओं से जुड़ी खबरों से छुट्टी मिले तो न्यूज़ चैनल वाकई में ऐसी खबरें दिखाने लगे। ये वाकई में अद्भुत है जो कुछ श्लोका कर पा रही है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सक्सेना। हम अब चलेंगे सूरत, वहां पर वो स्कूल है जहां पर श्लोका जैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जिसके जरिए वो बंद आंखों से सब कुछ देख पाते हैं। सूरत में सहयोगी है हमारे देवेंद्र, सहयोगी चैनल ईटीवी से है, देवेंद्र के पास चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसकी बड़ी कवरेज लगातार आईबीएन 7 पर जारी।
आप देख रहे हैं इंडिया 9 बजे। हम लगातार आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवा रहे हैं जो इस वक्त उज्जैन में है, सूरत की रहने वाली है, श्लोका पांचाल। इतनी देर, लगभग 1 घंटा हो गया आंखों पर पट्टी बांधकर, श्लोका के हमने जितने टेस्ट मुमकिन थे वो सब ले लिए, किताब पढ़वा ली, उससे विजिटिंग कार्ड पढ़वा लिया, मोबाइल का मैसेज, सब कुछ। और आपको बता दें, जो लोग अगर अभी जुड़े हैं, आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद वो सूंघती है और वो कलर भी बता देती है या उसके सामने क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ, कोई तस्वीर है तो उस तस्वीर को भी वो बता देती है। लगातार उज्जैन से श्लोका हमारे साथ, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के साथ जुड़ी हुई है। अब हम चलते हैं सूरत और हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी के देवेन हमारे साथ वहां सूरत से जुड़ रहे हैं और श्लोका वहीं की रहने वाली, वही उनकी ट्रेनिंग हुई है। देवेन, कौन कौन लोग हैं आपके साथ? देवेन, पहला सवाल आप टीचर से पूछिएगा, ये ट्रेनिंग कैसे होती है? बच्चे हैं जिन्होंने बहुत से लोग ट्वीट करके, हम जितना भी चाहे उतना टेस्ट उनका भी ले सकते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका टेस्ट लिया जाए और लोगों को वो भी दिखाना चाहते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के अभी उनका रिजल्ट किस तरह से आया है और वो भी काफी खुश है। जी देवेंद्र, पहला सवाल मैं चाहूंगा कि आप टीचर से पूछिए जो वहाँ पर ट्रेनर है कि ये सिखाते कैसे हैं वो, क्योंकि बहुत से लोग हमको ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे फेसबुक पर, ट्विटर पर, कि ये ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या करना पड़ता है इसके लिए। जी सुमित, बिल्कुल पूछेंगे क्योंकि ये जिस तरह से हो रहा है हम पूछ लेते हैं उनके ट्रेनर से। मैम, एक्चुअली ये जो पूरी जो आपकी ये ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से दी जाती है, कितनी एज के बच्चों को दी जाती है और खास करके किस में किस प्रकार की जो स्किल है वो आइडेंटिफाई आप कैसे करती हो? ये ट्रेनिंग 5 से 15 ईयर के बच्चों को दी जाती है और जब हमारा एक्टिवेशन फर्स्ट क्लियर होता है तब हमको ब्लाइंड फोल्ड करवाते हैं और बॉल की पूरी एक्सरसाइज होती है वो हम उसको करवाते हैं। उसके बाद वो लोग कलर पहचानना चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे से कार्ड्स की भी ऐसी एक्सरसाइज होती है वो करवाते हैं। उसके बाद वो कार्ड्स भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दूसरे दिन उनकी स्पीड बढ़ने लगती है दूसरे दिन से। मैम, अगर हम देवांशी जैसे स्टूडेंट की बात करें तो बिना स्मेल लिए भी वो चीज़ों को किस तरह से पहचान लेती है? जैसे कि मैंने कहा कि 2 दिन का जो हमारा वर्कशॉप होता है उसमें सिर्फ एक्टिवेशन होता है। जैसे जैसे बच्चा प्रैक्टिस करेगा फिर उसको स्मेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप उसका अपग्रेड होता जाएगा। आइडेंटिफाई करते हो कि ये बच्चा जो है। देवेन, एक सवाल आप टीचर से पूछिए कि 15 साल की उम्र के बाद जो बच्चा ट्रेंड हो जाता है वो इस आदत को भूलता तो नहीं है? ताउम्र ये आदत उसके साथ रहती है, कभी भी पट्टी बांधो और वो पहचान पाएगा? जी बिल्कुल सुमित जी। मैडम, ये एक सवाल आज सभी के मन में हो रहा है। जैसे आपने बताया कि 15 साल की एज तक हम इस ट्रेनिंग को दे सकते हैं, तो जिस तरह से ये बच्चे जब ये सीख लेते हैं तो क्या जब वो बड़े होते हैं, जब 25 साल 30 साल, तो क्या ये सब जो चीज़ें उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है तो यह भूल जाते हैं क्या? नहीं, जैसे हमने साइकिलिंग करना सिखाया नहीं भूलते, चलना नहीं भूलते, उसी तरह ये आदत भी उनकी नहीं जाएगी। तो बिना प्रैक्टिस के भी ये सालों तक, मतलब जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो कुछ नया नया करते, नया नया ढूंढते हैं वो कि अब हम इस स्किल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते होंगे तो औरों से काफ़ी अलग। जी देवेन, अभी उन्होंने कहा कि जैसे जैसे और उनकी ट्रेनिंग हो जाती है उनको सूंघने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों नहीं पड़ती सूंघने की ज़रूरत? जी आपने मैम जिस तरह से बताया कि उनको सूंघने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये किस तरह से डेवलप होता है? नहीं, शुरू शुरू में हमारा जो वर्कशॉप स्टार्ट होता है तब वो स्किन की जो हमारी सेंस होती है, जैसे ये देवांशी कर रही है अभी, वो सेंस करके कर रही है अभी, तो वो जैसे जैसे उसकी सेंस बढ़ती जाती है धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये कौन सा कलर है, क्या चीज़ है। जैसे हम खुली आंखों से देखते हैं उसी तरह से वो देख सकते हैं बच्चे। तो ये अभी डेमो हम कर सकते हैं क्या? हाँ, किस तरह से, मतलब बिना देखे बिना सूंघे वो किस तरह से ये जो है वो बता देती है? हम ये पहले एक थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। एक बुक उठा लो मैम, ये बुक में से आप ही बताएगा कि ये जो पन्ना है हम कब स्टॉप करें और ये जो देवांशी यहाँ पे जो लड़की है वो कहेगी कि इस पन्ने पे क्या है, आप मुझे बताइएगा कि ये कब हम स्टॉप करें तो ऐसा रियल टेस्ट हो जाए उसका। पेज नंबर 67 निकालिए। 67 जी मैम निकालिए। 67 पेज नंबर 67 निकालिए। आप मत बोलिए क्योंकि वो पीछे सुन रहे होंगे, मैगजीन अगर देखी होगी तो चीजें हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे।
अच्छा अब इसमें इसमें ओके और आप एक नंबर बता दीजिए। हाँ अब आप 50 सुमित जी आप 52, और एक नंबर बता दीजिए 52 52 ओके सुमित जी आप नंबर भी देख सकते हैं अभी अभी आप पूछिए हाँ, इसके बारे में पूछिए हाँ, ओके ओके दिवंशी बताइए कि क्या है आगे ऐसा है पानी है जी देवांशी बताया क्या है आगे ठीक से बताइए पानी जैसा है आप हाथ लग के हाथ लगा के भी बता सकते हो हाँ जी जी नहीं सेंस लो कोई लेडीज है और उसको व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है और पिंक टोपी पहनी है जी सुमित सुना आपने क्या फोटो है और उसने किस तरह से बताया जी 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 शुरू में कुछ कंफ्यूजन हो रहा था देवेन आप उस बच्ची से है ना और जी जी ये पेज ले लेते हैं ये एक और पेज है ये आप बता दीजिए देखा आपने क्या था क्या है बताइए देवेन देखा क्या था ध्यान से बताइए अभी सार्क है और नुकीला था उसका वो टीथ है वो नुकीला था देखा सुमित आपने फोटो में ये और एक दिखा देते हैं उनको मनो देवेन एक मिनट फोटो में शार्क ये भी शार्क ये स्नैक्स जैसा है स्नैक्स जी देवेन जी सुमित फोटो में शार्क है उस पिक्चर में शार्क की पिक्चर है हाँ और वो फोटो का छूकर उसको उसका दांत चुभ रहा है शार्क उसने हाथ एकदम ऐसे किया जी जी बिल्कुल उसे ऐसे ही एहसास होता है जैसे उसने अभी अभी शार्क को छू लिया है और उसके जो टीथ है उसमें जैसे उसने हाथ डाल दिया उस तरह से उसको महसूस हो रहा है तो ये तो मतलब उसके लिए नुकसानदायक चीज है अगर वो कुछ पढ़ेगी कुछ देखेगी और कुछ खतरनाक चीज उसके सामने तस्वीर आ गई कोई डरावना चेहरा आ गया तो उस चीज को तो हाथ लगाएगी नहीं वो ये तो ड्रॉबैक हो गया उसके लिए पूछिए टीचर से जी बिल्कुल इसी के बारे में हम उनके ट्रेनर से भी बात कर लेते पूछिए जी मैम ये बताइए कि अगर जिस तरह से अभी जो उन्होंने जो छुआ था तो उनको ऐसा डर नहीं लग जाएगा कि जब भी मैं इस तरह से अगर कोई ऐसी चीज मेरे सामने आ जाए या मैं उसको ऐसे टच कर लूँ तो वो डर नहीं जाएगी क्या उसके लिए ड्रॉबैक हो सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि खुली आंखों से ऐसा नहीं होता है जब वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करती है और जब वो उसको हाथ लगता है तो वो उसके सिक्स सेंस से उसको ऐसा लगता है कि ये सामने क्या चीज है ऐसा खुली आंखों से नहीं होगा देवेन देवेन हमारे साथ देवेन हमने ऐसा कहा है कि जब ये एक्टिविटी करती है देवेन 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 सुन लिया हमने हम सुन पा रहे हैं ट्रेनर जो बोल रही है हमारे साथ डॉक्टर सक्सेना यहाँ मौजूद है जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है वो एक सवाल पूछना चाहते हैं टीचर से उस ट्रेनर से सुनिए डॉक्टर साहब मैडम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 9 से 14 साल की उम्र में आप ट्रेनिंग देती हैं और वो देख नहीं सकता ब्लाइंड है क्या हम उसको इस टेक्निक से शिक्षा दे सकते हैं कि वो देख सकता हो जबकि इन बच्चों की तो आंखें हैं और कोई बच्चा ऐसा है जो जन्म से या किसी बीमारी की वजह से देख नहीं सकता तो उसको क्या हम उसकी विजन मिल सकती है इस टेक्निक से पूछिए अंधे बच्चों को महारत हासिल हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल मैम ये डॉक्टर साहब हमारे साथ है वो पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो क्या उनको भी इस तरह से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं हाँ दे सकते हैं अगर उसने वो बाई बॉर्न ब्लाइंड ना हो उसने पहले अपनी खुली आंखों से देखा होगा तो वो उसके राइट ब्रेन में पूरी पिक्चर्स कलर्स जो भी है उसके आसपास वो उसके राइट ब्रेन में स्टोर होगा इसलिए वो देख सकेगा
एक बार देवेंद्र ये पूछे, ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन क्या फिलोसफी है, क्या फंडा है टीचर से? जी सर, ये बताइए कि ये राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जो ये बातें हो रही है, मतलब ये कैसे क्या है या कैसे बैलेंस किया जाता है या क्या पूरी टेक्निक है और इसमें इस चीज़ का कैसे स्पेसिफिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लेफ़्ट और राइट ब्रेन जो होता है उसमें लेफ़्ट का जो होता है वो लॉजिकल पार्ट होता है जिसको हम यूजली हम स्कूल में यूज़ करते हैं, जो स्कूल का हमारा एजुकेशन है वो सिर्फ लेफ़्ट पे ही होता है। और राइट ब्रेन जो होता है वो बिग पिक्चर्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारी जो डिज़ायर है, हमें क्या पाना है, जो बिग पिक्चर से हमको कोई मूवी देखते हैं तो कैसे हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, हम आंखें बंद करते हैं तो वो पूरा पिक्चर हमारी नज़रों के सामने आ जाता है, वो काम राइट ब्रेन का होता है। और वही काम दूसरा काम उसका सबकॉन्शियस माइंड का होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि हम जो चाहे हम जो सोचते हैं वो हम पा सकते हैं। और इन बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड हमसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है और हम उनको ब्रेन जिम करवाते हैं जिससे लेफ्ट और राइट का बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देवेंद्र ने सुना होगा जिम के बारे में, हमने काफी ये जो बात कह रही हैं ट्रेनर, क्या ये बात ठीक है कि राइट ब्रेन में ऐसा होता है लेफ्ट ब्रेन में ऐसा होता है? देखिए लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग अलग होते हैं, बिल्कुल फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ये कुछ हद तक इन्होंने ठीक बताया है कि लेफ्ट साइड का फंक्शन कुछ और है, राइट का कुछ और है, लेकिन दोनों में कनेक्शन होता है। इट इज़ नॉट दैट कि लेफ्ट अलग है राइट अलग है, एंड देयर द इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो एक दूसरे तरफ ट्रांसमिट हो सकती है। शायद यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है कि अगर राइट साइड का कोई फंक्शन स्टोर हो गया तो लेफ्ट साइड से भी कम्युनिकेट करके उसको वो शायद इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स एन एनिग्मा और मुझे लगता है कि इसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप मेडिकल साइंस से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो बच्चे एज ऑफ टुडे आई कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज खासकर वो जिसको जो स्मेल आ रहा है। हां नहीं, देखिए देखिए बच्चों ने बहुत ही अद्भुत तरीके से ये दिखाया करके करिश्मा ही है, लेकिन एक बार जब तक हम लोग साइंटिफिकली इन बच्चों को एग्जामिन या उसको टेस्ट ना कर लें या कोई कुछ इन्वेस्टिगेशन ना कर लें, देयर आर वेरियस मेथड्स टू कंफर्म दिस। आप मिलना चाहेंगे इन बच्चों से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे मौका ख्याल से बिल्कुल मौका दिया जाए। किस तरह के टेस्ट आप करेंगे डॉक्टर साहब? अगर एक बच्ची अभी बताइए वो टेस्ट चाहिए आप लाइव कराइए, मैं मनोज के पास चलता हूँ, मनोज से आप करवाते हैं, श्लोका वहाँ मौजूद है। कुछ तो क्लिनिकल टेस्ट करेंगे हम लोग, जैसे जैसे बच्चों को मनोज से बात हुई कि खाली पेपर बच्चों को दे दिया जाए और कुछ मैं बताऊं या आप बताएं वो लिख के दें और पूछें कि क्या लिखा गया उस पर, एक तो ये कर सकते हैं। अभी हम पूछते हैं, मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, श्लोका भी है, मनोज भी है। मनोज जब तक हम ब्रेक में जा रहे हैं हम चाहेंगे श्लोका को आप दोबारा पट्टी बांध दीजिए, डॉक्टर साहब उसके कुछ टेस्ट यहाँ बैठ के लेना चाहते हैं। ब्रेक का वक्त ले रहा हूँ, तब तक श्लोका के हाथ में पट्टी बन रही है और हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए IBN 7 के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत से ट्वीट आ रहे हैं जिस खबर पे हम लगातार हैं, जिस श्लोका की अद्भुत और अविस्मरणीय प्रतिभा को हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पे कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ और खबर नहीं है कि हम इस खबर को क्यों दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसे दर्शकों के लिए बात साफ कर दूँ कि इससे भी बड़ी कोई खबर इस वक्त हो सकती है क्या, जब हम ये जानते हैं कि हम एक तकनीक के जरिए, एक साइंस के जरिए, एक विज्ञान के जरिए अपने बच्चों को दक्ष बना सकते हैं कि वो आँखें बंद करके भी देख सकें, इससे बड़ी कोई खबर और हो सकती है क्या? और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज़ को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ हैं, देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े अस्पताल से आते हैं, वो भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इन बच्चों से मिलना चाहते हैं। मनोज मैं सीधे आपके पास आऊँगा और हम ये एक बार फिर बता दें कि हम तमाम खबरों को आज इस वक्त नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस चीज़ के बारे में दर्शकों को बताना इस वक्त सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा बनता है, क्योंकि हमको ये खबर पता चली है कि ऐसी भी कोई कला, ऐसा भी कोई साइंस हो सकती है। मनोज कुछ सवाल डॉक्टर सक्सेना श्लोका से पूछना चाहते हैं टेस्ट लेने के लिए। ओवर टू यू एंड डॉक्टर सक्सेना। सक्सेना क्या पूछेंगे आप? अच्छा बेटा आप सुन सकती हैं? मनोज अच्छा आपके हाथ में, आप हमको बता दीजिए जी, आपके हाथ में पेपर और पेन है? बिल्कुल पेपर और पेन मेरे हाथ में है, जो कि मैं श्लोका के हाथ में दे दूं? नहीं नहीं, आप अपने हाथ में रखिए, इसमें आप जो बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, आप इसमें लिखिए। बिल्कुल ठीक है
आप इसमें लिख दीजिए, उसको दिखाइए नहीं, थोड़ा अलग साइड में टर्न हो जाइए, साइड में होके लिखिए, आप दूसरे साइड में टर्न दूर हो जाइए। हाँ। इसमें लिख दीजिए मेरा भारत महान। और हमको भी मत बताइए कि आप हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये अब आप पूछिए। और बच्ची से कहो लेफ्ट हैंड से पकड़ के, पकड़ पढ़ के बता दे, फिर लेफ्ट से, लेफ्ट में होल्ड करे। अब ये पेपर मैं बच्चे के हाथ में दे रहा हूँ जी। चलिए आपके पास पेपर है, इस पेपर का जितना विश्लेषण एनालाइज आप कर सकती हैं कर दीजिए। ये पूरा प्लेन पेपर है, उसके ऊपर मेरा भारत महान लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल दीजिए। अरे ये तो कमाल कर दिया बच्ची ने, दैट्स वंडरफुल। अब आप दूसरा पेपर लिखिए। आपकी डॉक्टर साहब की बोलती बंद हो गई। मैं वाकई में आई वॉन्टेड टू बी प्रूव रॉन्ग कि वाकई में ऐसा हो सकता है, तो इवन इट इज समथिंग विच इज पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार है। आप एक दूसरा पेपर लीजिए प्लीज मनोज जी। हाँ जी ले लिया। हाँ, उस पर आप बस गोल 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 बहुत सारे बनाते जाइए और उसके हाथ में दे दीजिए, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको खुद ही खोलने दीजिए, फोल्ड करके दे दीजिए और उसी के हाथ में दे दीजिए, चार उसको करके फोल्ड कर दीजिए। ये मैं देने वाला हूँ। ये गया श्लोका के हाथ में। श्लोका करिए आपकी भाषा में, आपकी जुबान में इसको एनालाइज करिए। ये पूरा प्लेन है। अरे पूरा पेपर आपने खोला नहीं, पूरा पेपर खोल लीजिए वरना आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पे फोल्ड था, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ब्लैक डॉट्स। आप देखिए ये इस तरह से फोल्ड था, पहले श्लोका के हाथ में गया, ऐसे ऐसे गया, वह तो करूँगा तो कुछ नहीं होगा। आप करिए भी मत। आपको पहले ही बुजुर्ग करार दे चुके हैं। तो लेकिन जब खोला तो ये डॉट्स देखिए, सात डॉट्स हो गए। डॉक्टर साहब कुछ अच्छा ऐसा सवाल तो दीजिए कि उसको मेहनत करनी पड़े, आप तो एकदम इजी एग्जाम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब मिले हुए क्या? अब मेरे ख्याल से क्या ये राइट हैंड में पकड़ के फिर लेफ्ट में रब करके कर सकती है स्मेल? हाँ, ये उल्टा कराइए, उल्टा करा के देखिए। आप सवाल दे दीजिए तो उसको ले जाके हम कहेंगे कि वैसा उल्टा करके देखे। लिख दीजिए इसमें आई एम ए स्मार्ट गर्ल या कुछ भी। और इसी में लिख दीजिए मैं बहुत पॉपुलर हो गई हूँ हिंदी में। अब की बार थोड़ा डिफिकल्ट है। और उससे ये पूछिएगा मनोज कि कौन सा हिस्सा देवनागरी में है और कौन सा रोमन में। बिल्कुल, मैं श्लोका इस बार आपको थोड़ा सा लेफ्ट की जगह राइट का इस्तेमाल करना है। अभी आप ये वाला हाथ करती थी, मुझे शक हो रहा है कि आपकी इस घड़ी में कुछ सेंसर है। ओके, ये आपकी घड़ी जो मुझे थोड़ा डाउट दे रही है, इसलिए अब आप अपने प्लेन हाथ का इस्तेमाल करेंगी। फिर आपके हाथ में एक पेपर गया। यहाँ पे आई एम स्मार्ट गर्ल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मैं बहुत शापुलर लिखा दी स्पेलिंग। हैंडराइटिंग गलती मुझसे ही होगी, मुझे पता है। देखिए मैंने छोटा सा जो लिखा था, मैं बहुत पॉपुलर हो गई हूँ, उसको मैंने शापुलर लिख दिया था। मैंने उसको पाकी जगह शाह बनाया था। ठीक है, आई एम अ स्मार्ट गर्ल। इसमें कुछ मिस कर रही हो आप, एक चीज मिस कर रही हो पहली लाइन में।
आई एम अ स्मार्ट गर्ल ही है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए एक चीज मिस कर रही थी, जब दोबारा पूछा एक्सक्लेमेशन मार्क बता दिया। वाकई आपने डॉक्टर साहब से कुछ कहना चाहोगी? 30 सवाल पूछ चुके हैं वो। ये पूछिए कौन सा डॉक्टर साहब से, वो भी कौन सा इंग्लिश में कौन सा हिंदी में लिखा आपने, क्या वो बता सकती है? अच्छा इसमें एक चीज बता दो, इसमें रोमन हिंदी में कौन सा लिखा है, इंग्लिश में कौन सा लिखा है? ये पूरी लाइन इंग्लिश में लिखी है और ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ। ये जो ऊपर वाली लाइन की इनके मुताबिक इंग्लिश में लिखी है, नीचे वाली हिंदी में लिखी है। मनोज मान गए, अद्भुत अद्भुत। अच्छा, एक ही शब्द है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने 3 सवाल पूछे हैं तो एक सवाल पूछने कहा कि बनता है श्लोका का। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कह रहे थे डॉक्टर साहब ने 3 सवाल आपसे पूछे और उन्होंने आपसे अलग अलग लिखने को दिया, वो यकीन क्यों नहीं कर पा रहे आप पे? क्योंकि उन्होंने कोई भी बार ऐसा नहीं देखा होगा। जाहिर सी बात है, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, क्या विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? मनोज डॉक्टर साहब से मिलना चाहोगे? यहाँ पे हो तो मिलना चाहूंगी। चलो आपको हम दिल्ली उनके पास ले जाएंगे। जाएंगे नहीं आप तो श्लोका के पेरेंट्स को भी साथ ले आइएगा, तब श्लोका आ जाएंगे। तीनों नहीं लगता मुझे कि इस बच्चे को वाकई में इस तरह के जो बच्चे हैं। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब के। मनोज मैं ब्रेक में जा रहा हूं क्योंकि ये बार बार ट्वीट करके कुछ लोग शक जता रहे हैं कि उनकी पट्टी में से शायद श्लोका को दिखाई देता है, वो कुछ खास तरह की पट्टी ये लोग पहन रहे हैं। ब्रेक के बाद आपकी आंखों पर पट्टी होंगी और श्लोका आपसे सवाल पूछेगी, तो मनोज इसके लिए तैयार रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक और आप नहीं नहीं आप आपको करना पड़ेगा, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका हम आपके सहारे इस खबर को दिखा पा रहे हैं और तमाम दर्शकों को चुनौती हम ले पा रहे हैं। तो ये पट्टी आपकी आंखों पर होगी और आप इंश्योर करेंगे कि आपको कितना दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। इस ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक, हम हाजिर होते हैं। इस लगातार कवरेज हमारे IBN 7 पर जारी है। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक रही हैं और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांध दी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। वो श्लोका पांचाल, वो बच्ची इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, उज्जैन में है। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे मनोज के पास चलेंगे। सूरत से देवेन भी हमारे साथ है। अब हम मनोज आपने पट्टी नहीं बांधी, आप पहले पट्टी बांधिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। पहले हम देवेन के पास जा रहे हैं। मैं पट्टी बांध एक श्लोका कुछ कहना चाह रही थी, बस जल्दी से उससे बात करके फिर अच्छा। आप चले जाइए सूरत। श्लोका आप कुछ कहना चाह रहे थे, बता दीजिए। आप बहुत देर से कह रहे थे कि अंकल हमको ये बोलना है। मैं मेरे सबसे पहले मैं मेरी स्कूल के दिनेश सर और उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरी स्कूल का नाम है HUV स्वामीनारायण अकेडमी। पर्सनली दिनेश सर ने और सब टीचर ने ये कोर्स के लिए मुझे बहुत ध्यान दिया। देखिए अपने टीचर की अपने स्कूल के जो एक ऑब्लिगेशन है, जो एक उसके मन में एक धन्यवाद का भाव है, वो बोलना चाह रही। जब तक मैं पट्टी बांधता हूँ, चलिए तब तक हम श्लोका के स्कूल चलते हैं। देवेन, श्लोका अपने सब टीचर्स को जिसने उनको उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी है उसको थैंक यू कह रही है, लेकिन आप जो टीचर वहां पर है उनसे आप पूछेंगे कि ऐसे कितने बच्चे हैं श्लोका जैसे इस वक्त जिनको ट्रेन किया जा चुका है? जी बिल्कुल मैम, ये बताया कि एक लड़की जो अभी श्लोका है उसका भी काफ़ी ये जो इसकी जो स्किल है वो बताई जा रही है। आप ये बताइए कि किस तरह से ये जो पूरा डेवलप, कितने बच्चे को आप ट्रेनिंग देती है और किस तरह से ये ट्रेनिंग का पूरा सेशन आप चलाती हो? नहीं, मैं एक बैच में 10 से 15 बच्चे लेती हूँ और 2 दिन का ही वर्कशॉप होता है और बाद में फॉलोअप सेशन लेती हूँ मैं।
और दो दिन में ये बच्चे सब कुछ वो सीख जाते हैं जो हम इतनी देर से श्लोका को करते हुए देख रहे हैं। किस तरह कितने बच्चे अभी है आपके पास और कितने बच्चों को आप एक साथ दे सकते हो ट्रेनिंग? यही बताया मैंने, 10 से 15 को एक साथ में ले लेती हूँ और 2 दिन का फुल डे वर्कशॉप होता है, उसके बाद में फॉलोअप सेशन होता है। अभी मेरे पास 100 बच्चे होंगे और अभी कुछ एंट्री हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है जो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। दिविन, ऐसे कितने बच्चों को ट्रेनिंग जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि और ये भी बताइए कि ऐसे कितने स्कूल्स हैं जहां पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मैम एक कितने ऐसे बच्चे हैं और शहर भर में इतनी कितनी ऐसी स्कूलें होंगे जहां पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? शहर भर में कुछ अभी तो सूरत में 2 या 3 स्कूल्स ऐसी है जिन्होंने इसको अलाउड किया है और बाकी स्कूल की मैंने इंक्वायरी अभी नहीं की है, लेकिन अभी जैसे जैसे सब में अवेयरनेस आ रही है वैसे सभी स्कूल में भी इसकी एंट्री हो जाएगी। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बच्चों में एकेडमिक इतना उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनका इतना ग्रोथ हो रहा है कि स्कूल भी एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। जी देवे, तो एक किस तरह से आप चाहते हो कि स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाए कि जिस तरह से छोटे बच्चों में इतनी बड़ी जो स्किल का डेवलपमेंट हो सकता है, तो आप क्या मानती हो उसके लिए? बच्चों का अभी ज़्यादातर हम देखते हैं तो सभी में हाइपर एक्टिव बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हाइपर एक्टिव बच्चों में होता है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो वो बेनिफिट भी बच्चों को मिलता है, तो हमें यही बेनिफिट तो सबसे ज़्यादा चाहिए और बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, अपने फ्यूचर का उनका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, ये सब बेनिफिट देवेन। अब हम आपको स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर एस के सक्सेना है, न्यूरोलॉजिस्ट, उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से हम योगा की बातें करते हैं, योगा भी स्कूलों में सिखाना चाहिए, तो क्या इस तरह से ये जो आपकी टेक्निक्स है उसका एक स्पेशल कोई क्लासेस चलने चाहिए क्लास में? हाँ जरूर चलना चाहिए और हम अपने क्लास में भी योगा प्राणायाम सब कुछ करवाते ही है, तो ये होना ही चाहिए। देवेन, तो तभी तो बच्चों का पूरा हमारा एक सवाल चाहिए। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद डॉक्टर सक्सेना आपसे सवाल पूछेंगे। क्या इस टेक्निक का जो आप कह रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन, कोई ड्रॉबैक है, किसी तरह की कोई कमी बच्चों में आती है, इसका कोई प्रूफ है डॉक्टर उनके ट्रेनर के पास? जल्दी से पूछिए। जी बिल्कुल मैम, ये टेक्निक की पूरी अभी बातें हो रही है। सबसे एक महत्वपूर्ण जो पहलू हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी टेक्निक है क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है बच्चों के माइंड पे, या आने वाले सालों में जिस तरह से उनका ग्रोथ होगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है क्या? सभी चीज़ों का साइड इफेक्ट होता है, यही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। डॉक्टर सक्सेना सवाल पूछेंगे। बहुत ही अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, मेरे सभी पेरेंट्स जो है बहुत ही खुश है अपने बच्चों का ग्रोथ देख के और बच्चे भी बहुत खुश है। डॉक्टर सक्सेना सवाल पूछेंगे आपसे। देवेन, हमको फील होता है सबसे अलग वो। देवेन आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुमित, ट्रेनर का मानना है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये सभी बच्चों को सीखना चाहिए। क्या मैं आपसे आपके माध्यम से प्रश्न कर सकता हूँ मैडम से? पूछिए। देवेंद्र जी ये पूछे थे कि जिस तरह ये आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और जी, वो बहुत अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं, जो हमने अभी अभी इनके एग्जांपल देखे हैं, तो क्या इसको हम लोगों ने किसी तरह साइंटिफिकली देखा कि ये कौन सा एरिया ब्रेन का है, मिड ब्रेन है या हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है जहाँ हमारे सारे के सारे सेंसेशन रिले होते हैं, थैलेमस या उसके ऊपर के एरिया, क्या हमने उसको उससे कोरिलेट करने की कोशिश की है? जैसे बच्चा छोटा सवाल पूछिए क्योंकि ये सवाल देवेंद्र नहीं पूछ पाएंगे, जो आपने टर्म्स बीच में लिया ना। अच्छा, आसान तरीका, क्या ब्रेन में कोई ऐसी जगह है? हाँ, इन्होंने क्या इसको कोई बच्चों का MRI या कोई और टेस्ट करके उस चीज को कंफर्म किया कि ये बच्चा सीख गया है या ये टेक्निक इस बच्चे को आगे, कोई ऐसे मापदंड या पैरामीटर या एग्जाम होता है जिससे बच्चे को बिल्कुल? मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल ट्रेनर से पूछूंगा। तो मैम ये बताइए कि साइंटिफिकली क्या आपने ऐसा देखा है कि जो आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की जो बात करें, तो साइंटिफिकली आपने इसको कहीं पे टेस्ट करके देखा है क्या? साइंटिफिकली प्रूव है, क्योंकि जिसने इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन की मेथड को जिसने रिसर्च किया है वो सिचिडा है, वो जापान में है और उनकी अभी 45 स्कूल्स वहाँ ऑलरेडी है और वहाँ बच्चों को पहले एक्टिवेशन दिया जाता है, उसके बाद स्कूल में उनकी एंट्री हो जाएगी और उनके बच्चे बहुत ही क्रिएटिव है, उनका दिमाग साइंटिफिकली वर्क करता है, हमारे यहाँ बच्चों सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं।
क्या ऐसा होता है कभी कि इनके एमआरआई टेस्ट किया जाए उनके ब्रेन का, तो पता चले कि आखिरकार ये साइंस क्या है? साइंटिफिकली प्रूवन है टेक्निक और ये सब प्रूव किया गया है और सभी टेस्ट पास करके ही उन्होंने यहाँ पर अलाउड किया है ना। देवेन, मेरा एक सवाल है ट्रेनर के लिए। सुना होगा कि ट्रेनर का साफ कहना है कि ये जो पूरी टेक्निक है सर। देवेन, आप एक सवाल मेरा है ट्रेनर के लिए। हर बच्चा अलग होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन दो दिन में हर बच्चा एक तरह से एक बराबर से ये ट्रेनिंग ले लेता है, या कोई अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं या किसी को ज्यादा टाइम भी लग सकता है? जी बिल्कुल मैम, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब भी कि ये जो ट्रेनिंग की जो आप बात कर रहे हो, तो दो दिन तीन दिन में ये सभी बच्चे एक जैसे ही ग्रास्पिंग पावर होता है या कुछ में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? डिफरेंस होता है, हर बच्चे का ब्रेन का पावर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है, उनकी चॉइस अलग होती है, तो जिस बच्चे का जिस तरह का उसका सोचने का ढंग होगा, उसका दिमाग जिस तरह से ग्रोथ करेगा, उसी तरह से उसका इसमें भी डेवलपमेंट होगा। जैसे कुछ बच्चे की हाथों की सेंस ज़्यादा है, किसी की पैर की सेंस ज़्यादा है, कोई डिस्टेंस बहुत अच्छे से करता है, कोई नज़दीक का बहुत अच्छे से करता है, करता सब कुछ है, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल एक होता ही है। बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप रहिए, मेरे सहयोगी मनोज जो है, मनोज के पास चलूंगा। मनोज शर्मा पट्टी अट्टी बांध के तैयार हो चुके हैं, मनोज की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, पट्टी बांधने के बाद किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन श्लोका को दिखाई दिया था। कोई मनोज को इशारे से उसका मुंह सीधा कर रहा है कि कैमरा किधर है, उस तरफ आप रही। मनोज, इस वक्त आप बिल्कुल कैमरे के सामने हैं, हम आपको देख सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कैमरा पहले जूम आउट कराइए, कैमरा जूम आउट करिए, उसके कैमरा मैन को बोलिए कैमरा थोड़ा सा जूम आउट करना कैमरा। मनोज से तो सवाल भी नहीं पूछा लेकिन घबराए हुए लग रहे हैं। जूम आउट करके मैं देखना चाहता हूँ आपके पीछे कौन लोग हैं। पीछे के मैं लोग दिखाऊंगा। वैसे रिचा, मैं एक चीज बता दूं, एक चीज तो मैं कर सकता हूँ, देखो। ये सेवर है, आईबीएस सेवर है। गलत है, सीएनबीसी सीएनबीसी है, गलत है। मनोज पकड़े गए आप। जूम आउट करिए, जूम आउट करिए। मैं फ्रेम में आपको और श्लोका दोनों को देखना चाहता हूँ। बोलिए कैमरामैन को। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि श्लोका को भी दिखाए, हमको भी दिखाए। हाँ, अब फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए। श्लोका से पूछिए आप, श्लोका से आप पूछिए कि वो आपसे कोई एक सवाल पूछे। श्लोका, आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहोगी? बहुत आसान पूछना। बहुत आसान। आप ये वाली स्केच पेन का कलर कहिए। बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि जो पट्टी इसके पहले श्लोका ने बांधी हुई थी, उसी पट्टी को मैंने अपनी आंखों पर बांधा है। मैं देख नहीं सकता, बस मैं इतना भर कर सकता हूँ कि मुझे पता है यहाँ 6 स्केच लेके आए थे और उसमें मतलब मैं इतना तुक्का लगा सकता हूँ कि आपको तो 6 रंग भी याद नहीं है। मतलब 6 रंग में एक मोटा मोटा याद है कि हो सकता है ये नीला रंग हो, लेकिन पता नहीं कौन सा क्या है श्लोका। येलो। किसी ने लिखा था कि जो नीचे से श्लोका सब कुछ देख पा रही है, आपने वो पट्टी लगा ली, आप हमारे उन दर्शक को जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। मतलब मैं इसमें एक चीज कहूंगा, जिस दर्शक ने भी ये लिखा है कि नीचे से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके अगर आप देखना भी चाहोगे तो आपको इसको पट्टी को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, तो आप नीचे से देख पाओगे लेकिन वो आपका एफर्ट दिखेगा। फिर हम इस बात के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक बार श्लोका को दोबारा इस पट्टी को बांधे और अब की बार हम श्लोका को एकदम सामने रखें, तो आप ये बिल्कुल श्लोका के इतने टेस्ट किए गए अभी यहाँ पर कि वो कम से कम कोई चीटिंग तो नहीं कर रही है। हाँ। वो देखती है, उसने अपने एक फिक्स, जैसे हम कहें कि वो जो जिसे वो मेडिटेशन बोल रही है, वो जिस थर्ड आई का इफेक्ट बोल रही है, लेकिन वो उसने अपनी प्रैक्टिस से इस कला में महारत हासिल किया है। श्लोका से ये पूछिए, ये इस कला में तो वो पारंगत हो गई है, और वो क्या सीखना चाहती है? क्या कोई ऐसी चीज है जो पट्टी बांधकर वो नहीं सीखी हो और सीखना चाहती हो? मैं पट्टी बांध के रखूं अभी? हाँ, अच्छे लग रहे हैं आप। श्लोका, आप कहाँ हो पहले ये बताओ। अच्छा, आपको इस कला के अलावा आपको कुछ और सीखने की तमन्ना है मन में? है। क्या?
पेंटिंग डांस वैसा। लेकिन पेंटिंग में मैंने अभी देखा, मैं आपकी पेंटिंग देख रहा था कि आपको अगर आउटलाइन दे दी जाए तो आप ड्राइंग के अंदर एकदम आंखों में पट्टी बांधकर अंदर आप सारी कलरिंग कर देती हैं। बस इसी तरह से पेंटिंग की कुछ और भी बड़ा मतलब मकबूल फिजा हसैन जैसा बड़ा आर्टिस्ट बनना? नहीं बड़ा नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा अच्छा पेंटिंग, एक अच्छा पेंटर बनना। इससे एक अच्छा, और आप क्या कुछ लोग शक कर रहे हैं आपकी आपकी कला के ऊपर, शक कर रहे हैं कि आप जो करती हैं आप चीटिंग करती हैं, नीचे से देख लेती हैं, मतलब इनको क्या जवाब दोगे? मैं नहीं देखती हूँ। मनोज डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं श्लोका आप से। देख सकते हो उससे ये आप देख सकते हो नीचे से। आप उससे एक प्रश्न ये पूछ रहे हैं मनोज जी कि ये आंखें जैसे बंद करके कुछ भी बता देती है, इसका कोई लाभ हुआ है इनको किसी तरह से एग्जाम में, कुछ फायदा मिला है, कोई फायदा हुआ है एडवांटेज प्रैक्टिस का? मनोज ये जो ये श्लोका आप जो प्रैक्टिस किए हो, इस प्रैक्टिस से आपको आपके एग्जाम में आपके इम्तिहान में कोई फायदा मिला आपको कभी? हाँ, थोड़ा स्टडीज में थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब आपके दिमाग में पूरा एक पेंटिंग जाके छप जाती होगी? हाँ वैसा ही कुछ। मतलब श्लोका आंखें बंद करके भी पढ़ सकती है अपने लेसन? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है मतलब आंख बंद करके भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप बैठ पे चले जाते होगे और आंख बंद करके अपना रिवीजन करते रहते होगे क्योंकि आपके दिमाग में सब रखा है। इनसे पूछिए कभी इनको जब जुकाम हो जाता है तभी आंख बंद करके देख सकती है? जब जुकाम हो जाता है तभी कर पाती है? ओके मनोज डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि अगर जुकाम हो रहा हो, अगर सूंघ नहीं पा रही है ठीक से, अगर नाक बंद है तब भी क्या इतनी क्लियरली श्लोका सब देख सकती है? श्लोका अगर आपको जुकाम हो गया उसके बाद आपको जब आप सूंघ नहीं पा रहे हैं, आपकी नाक पूरी तरह से चोक है, तब भी क्या आप अपनी इस कला का मतलब आपको ये कर सकती हैं, कलर को अलग अलग डिवाइड कर सकती हैं, पहचान सकती हैं? अगर नोज़ी बंद हो तो मैं स्मेल नहीं कर सकती। अच्छा, मैं अभी कोई परफ्यूम लेके आ जाऊँ और तमाम चीज़ों पर एक परफ्यूम डाल दूँ और इतना स्ट्रांग परफ्यूम हो कि उसका जाए ना उसकी स्मेल, तो आपकी कला फिर कहीं काम नहीं करेगी, सच है ना? नहीं, वो कर सकती। कैसे? मैं उसको ऐसे ऐसे रब करूंगी ना स्किन पे, इससे उसका जो भी परफ्यूम हो वो चला जाएगा। अच्छा, तो इसलिए आप बार बार रब करते हैं? बिल्कुल मनोज। हाँ। मुझे लगता है कि कई लोग ट्वीट कर बता रहे हैं जो शायद न्यूरोलॉजिस्ट ही हैं, जो कह रहे हैं कि मिड टर्म एक्टिवेशन पॉसिबल है। कोई रीमा राजावत है वो भी ये लिखती है, कोई हर्ष बिनानी है वो भी ये लिखते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मिड टर्म एक्टिवेशन कैसे होता है, पर हमारे लिए वाकई में नई चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं। आप सब लोग रहिए मेरे साथ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि ब्रेक में जा रहा हूँ, चर्चा बहुत दिलचस्प चल रही है, कुछ और सवाल है। मनोज अब आप पट्टी खोल लीजिएगा, हम ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी सज़ा माफ़ हुई। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। और आपको सीधे मैं सूरत लिए चलूंगा, देवेन के पास, वो जगह जहां जो कि श्लोका का स्कूल भी है। देवेन, हम ये जानना चाहेंगे, एक आखिरी सेगमेंट हमारा ये, टीचर से पूछिए कि इंडिया में ये कला सिर्फ सूरत के लोगों को ही आती है या बाकी जगहों पर भी इसके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और वो कहां कहां पर है? जी बिल्कुल सुमित जी, जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग दी जाती है हमें, तो ये जो बच्चों को जो ट्रेनिंग होती है वो सूरत में ही होती है या उसके अलावा भी कहीं पे दी जाती है इस तरह की ट्रेनिंग? अभी तो मेरा मानना है कि अभी पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है और लगभग सभी स्टेट में है। जी देवेन, किस तरह से सर्च किया था कि इस तरह से? आपको हम थैंक यू बोलेंगे यहाँ पे। मैं आखिर में, क्योंकि वक्त की कमी है, मनोज के पास जाना है, 10:30 रात के बजने वाले हैं, काफी देर से श्लोका हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आखिर में श्लोका से पूछना चाहेंगे और आपके जरिए पूछना चाहेंगे कि वो क्या चाहती हैं बड़े होकर, वो इस कला के जरिए क्या करना चाहती हैं, क्या अचीव करना चाहती हैं? श्लोका, सब दुनिया पूरा देश जानना चाह रहा है कि आपने ये कला जो सीखी है बड़े होकर क्या बनना चाहती है, इस कला के जरिए कुछ आगे बनना चाहती है? नहीं, अभी तक फिक्स नहीं किया, तक नहीं सोचा। मतलब कुछ सोचा कि ये कला जो हुनर आपको आता है, इस हुनर से आगे आप आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में किसी को कुछ फायदा पहुंचा सकती है? अभी तक नहीं
कुछ नहीं किया। हम जल्दी से आपके मम्मी पापा से पूछ लेते हैं, ये मतलब आपको ख्याल कहाँ से आया कि ये बच्चे को ये चीज़ सिखाएं? दूसरा, ये कला सीखने के बाद आपसे खास तौर पे जानना चाहूँगा कि बच्चे के व्यवहार में घर में कोई परिवर्तन है, कैसे ख्याल आया था ये? एक्चुअली मैं बहुत ही शुक्रगुजर हूँ कि मेरी डॉटर को मैंने जिधर एडमिशन करवाया है HV स्वामीनारायण स्कूल, तो दे हैव टेकन टू मच केयर फॉर माई डॉटर, आई हार्डली थैंक देम। एक माँ को बड़ी फिक्र होती है, छोटी सी बच्ची है, 9 साल की बेटी है, ये कला जब वो सीख गई तो इसकी वजह से आपने घर में उसके व्यवहार में कोई थोड़ा सा भी चेंज, कोई फर्क पाया? हाँ, वो तो पहले से ही इतनी अच्छी है और मैं भगवान का और स्कूल का भी थैंक्स करना चाहती हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी कि मेरी बच्ची पे मैं इतनी लक्की हूँ, ऐसा फील कर रही हूँ अभी। चलिए मनोज, मामा क्या बोलती है, बड़े होके क्या बनेगी? वो तो हर वीक उसका चेंज होता रहता है। मनोज, समय की मजबूरी है, अब हमें आपको रोकना होगा। श्लोका को हम चाहते हैं आप हमारी तरफ से थैंक यू कहें, उनके पेरेंट्स को थैंक यू कहें और हम इस प्रोग्राम को बंद करें। मैं चाहूंगा एक फ्रेम हमको दोबारा अगर आप मनोज का दिखा दें, हम लोग स्टूडियो से श्लोका के लिए ताली बजाना चाहते हैं और ये डॉक्टर सक्सेना खुद चाह रहे हैं। एक शॉट हम सबका आप मनोज कन्वे करिएगा ताली बजाते हुए, हम सब लोग श्लोका के लिए। डॉक्टर साहब आप विक्ट्री दिखाइए, विक्ट्री, श्लोका की विक्ट्री है ये, श्लोका की विक्ट्री। थैंक यू सो मच मनोज, थैंक यू सो मच श्लोका, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर सक्सेना। थैंक यू देवेन, हम आपके साथ दोबारा भी जुड़ेंगे। आप लोगों ने एक अच्छी खबर हम तक पहुंचाई, एक उम्मीद की किरण आती है और ऐसी खबरें देखकर हौसला भी आता है, हौसला आता है कि हिंदुस्तान में वाकई में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो इस तरह की नई चीज़ों को जन्म दे सकती हैं जिसके जरिए हम सबके बच्चे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आज इंडिया 9 बजे में मुझे और सुमित की दीजिए इजाजत, आई दिन 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है।